पास पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं पट्टा जू, यही गेट है दोस्तों चिड़ियाघर का। और यहाँ पर हम लोग टिकट कटाएंगे और इसके बाद इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर है और पूरी तरह एक्सप्लोर करते हैं ब्लॉग को। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों लेकर। हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम पटना जू के पास और यहाँ पर जाने वाले हैं पटना चिड़ियाघर के अंदर और देखते हैं यहाँ पर टिकट कितना लगने वाला। और हमारे साथ एक दोस्त है, आप अपना नाम बताइए। गणेश कुमार मंडल। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गणेश मंडल और हम अपने दोस्त के साथ पटना जू के अंदर जाने वाले हैं और कितना टिकट लगता है उसका भी आपको प्राइस बताने वाले हैं। अभी फिलहाल चलते हैं इसके अंदर और क्या क्या जानवर इसमें है। तो अगर इस चैनल पर आप नए नए जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं टिकट का प्राइस कितना है, वयस्क टिकट 30 रुपया और बच्चे लोगों को 10 रुपया टिकट है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग टिकट देख सकते हैं, 4 लोग हैं और यहाँ पर देख सकते हैं गणेश कुमार और चारों टिकट हम लोग ले लिए हैं और चलते हैं अंदर, आपको पूरी तरह से दिखाएंगे दोस्तों और पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं चिड़ियाघर को। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। यहाँ पर आ चुके हैं पटना में चिड़ियाघर के अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों भेड़िया का सेक्शन यहाँ पर है और देख सकते हैं वहाँ पर हम जूम करके आपको दिखाते हैं, वहाँ पर भेड़िया है दोस्तों। देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फ्रेंड चिड़ियाघर में पहली बार आया है, पटना जो पहली बार घूमने के लिए आया है, कैसा लग रहा है गणेश? बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी कहाँ कहाँ घूमा है? अभी तो तेंदुआ देखे और भेड़िया और अभी देखना बाकी है और देखेंगे। तो दोस्तों अभी शुरुआत ही हुआ है और आगे वीडियो में बने रहे, पूरा मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में। तो अगर इस चैनल पर आप नए नए जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं भेड़िया का सेक्शन है वो, और वहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों वहाँ पर देख सकते हैं नीचे में भेड़िया सो रहा है दोस्तों, सुस्ता रहा है पूरा। तेंदुआ वाला सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स लिखी गई है और क्या क्या इसके, और इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं तेंदुआ। देख सकते हैं यहाँ पर तेंदुआ है अंदर में और यहाँ पर देख सकते हैं हगाया जा रहा है तेंदुआ, काला तेंदुआ को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पर गणेश तेंदुआ को हका रहा है और हकाओ फिर से हकाओ गणेश और तेंदुआ है जो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, डर गया आदमी से। दोस्तों यहाँ पर तेंदुआ के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है और वजन देख सकते हैं कितना होता है, 40 से 70 किलोग्राम नर का होता है दोस्तों, मादा का 35 से 52 किलोग्राम। इसका जीवन काल 12 से 17 वर्ष का दिया है और सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है और स्क्रीनशॉट करके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। सकते हैं 100 किलोमीटर दूर से हम यहाँ पर चीता को देखने के लिए आए और चीता अपने मुंह घुरा के उधर देख सकते हैं, उधर घुमा हुआ है और दोस्तों देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर तेंदुआ को देखने के लिए और उधर तेंदुआ है कि देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पर उधर ही घुरा हुआ है, आराम से यहाँ पर देख सकते हैं बैठा हुआ है। और चलते हैं देखते हैं उधर चिंपांजी है और उधर चलते हैं हम लोग, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों कितना भीड़ है चिंपांजी देखने के लिए यहाँ पर, दो दो वहाँ पर बैठा हुआ है देख सकते हैं। चलते हैं दूसरा जानवर देखने के लिए दोस्तों, यहाँ पर चिंपांजी हम लोग देख लिए हैं और आगे चल रहे हैं, हम लोग क्या देखेंगे और भैया लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आए हैं चिंपांजी को। और दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं गिद्ध वाले सेक्शन में दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर बगल में ही दो दो गिद्ध है और दोस्तों देख सकते हैं लाइन वाले सेक्शन यहाँ पर है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। लाइन कहाँ पर है दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर तो बोर्ड लगा हुआ है लाइन का, खोजते हैं और दिखाते हैं आपको, असली लायन तो नहीं मिला है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल मिला है।
और इसी से काम चलाना पड़ेगा, और पता नहीं लाइन कहाँ है। तो यहाँ पर शेर भी गायब है और लाइन भी गायब है। और यहाँ पर देख सकते हैं गणेश कहाँ पर चढ़कर देख रहा है लाइन को, जो कि मिल नहीं रहा है। पर टाइगर को देखने के लिए कितना भीड़ है। और दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर डिटेल्स टाइगर के लिए लिखा हुआ है, और वहाँ पर देख सकते हैं टाइगर है दोस्तों। अभी हम जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को, सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देख सकते हैं वहाँ तो 50 मीटर की दूरी पर है टाइगर दोस्तों, और हम लोग बाहर से देख रहे हैं अभी। और देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर, टाइगर को देखने के लिए कितना भीड़ है। वहाँ पर देख सकते हैं टाइगर गजब तो रहा है, दिख रहा है दोस्तों। और वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टाइगर किधर, ओ वाइट वाइट टाइगर है इसको दोस्तों देख सकते हैं, पूरा खाना मिलता है एकदम तगड़ा है वाइट टाइगर। मोटा गया, एक बार और दहाड़ेगा ना तो मजा आएगा दोस्तों। और चलते हैं अब आपको अजगर दिखाते हैं, अजगर बड़ा वाला अजगर। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गणेश है, और क्या क्या देखा है अभी तक हमने, अभी तक बाघ तेंदुआ और गिद्ध और अजगर सांप देख चुके हैं। अभी अजगर वाले सेक्शन में अभी देखने के लिए बाकी है दोस्तों, और इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर अजगर है, क्या क्या सांप है, कौन सा है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर अजगर, वहाँ पर देख सकते हैं डाल पर है दोस्तों, यही अजगर दोस्तों वहाँ पर डाल पर अजगर दिख रहा है आपको। भाई आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगा अजगर वाले सेक्शन या सांप वाले सेक्शन में, आपको सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, और उसका देख सकते हैं सकल मुंह जो होता है दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हैं भैया लोग यहाँ पर देखने के लिए आए, चिड़िया। अच्छा कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए। और देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा है, देख सकते हैं भैया लोग आनंद दे रहा है वाइपर को देखकर। और चलते हैं आगे, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग मेन सेक्शन में कोबरा दिखाने के लिए आए सबसे पहले, और दिखाते हैं इधर से दोस्तों। देख सकते हैं कि अजगर को पूरा नजदीकी से दिखा रहे हैं, देखिए लाइव एकदम लाइव है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इतना दूर में है, बस जस्ट 2 फीट। अब दोस्तों देख सकते हैं नजदीक कैसे बैठा हुआ गोल गोल बनाकर, ओ भाई गजब। अब हम आपको दिखाते हैं कोबरा, ये है कोबरा वाला सेक्शन, और कोबरा देख सकते हो वहाँ पर है। जूम करके हम आपको दिखाते हैं कोबरा वाला सेक्शन, यही है दोस्तों। और वहाँ पर कोबरा हमें आंखों से तो दिख रहा है, जूम करके हम दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पर कोबरा है, अंदर में कोबरा है दोस्तों। देख सकते हैं रसल्स वाइपर वाले सेक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं वो तो दिख नहीं रहा है, रसल्स वाइपर एक भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं किधर है, एक भी नहीं है। को दिखाते हुए हम यहाँ पर सैंड बुआ नामक कोबरा होता है दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक पर है, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत सारा भीड़ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा चिड़ियाघर में यहीं पर आपको भीड़ दिखने वाला है, अगर आइएगा तो यहीं पर आपको भीड़ देखने को मिलेगा दोस्तों। एक और अजगर वाला सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं धामिन, जो कि देख सकते हो दोस्तों धामिन है यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे भीड़ लगा हुआ, देख सकते हैं धामिन को हम आपको करीब से दिखा रहे हैं, दो दो है, और देख सकते हैं गजब। और इतना भीड़ से हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ से देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको सारा सांप वाला सेक्शन, जो कि अजगर और धामिन जितना कोबरा होता है रसल्स वाइपर होता है, सारा सेक्शन हम आपको दिखा दिए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मेन गेट से हम लोग एंट्री नहीं किए थे, और यही है मेन गेट, इधर का डबल गेट है इसमें। चलते हैं निशाचर गृह, यहाँ पर है दोस्तों, सबके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, बैट
पटना जू के अंदर अभी हम आए हुए हैं, जो कि पटना का फेमस प्लेस है पटना जू। अब दिखाते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर शुतुरमुर्ग दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आया हुआ है। देख सकते हैं कितना बड़ा, इसका अंडा बहुत ही बड़ा होता है। बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं दो दो है, एक नर है एक मादा है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों चिड़ियाघर के अंदर दोस्तों यहाँ पर शुतुरमुर्ग हम आपको दिखा रहे हैं। सकते हैं हिमालय का काला भालू और खाकर वहाँ पर सुता हुआ है। और उधर भालू आपको दिख रहा है, उधर देख सकते हैं, इधर यहाँ पे दोस्तों। अभी हम लोग पूरा चिड़ियाघर घूमे ही नहीं है और यहाँ पर गणेश थक चुका है और हम भी थक चुके हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या चीज का खतरा हो सकता है? यहाँ पे बाघ है, चीता है और अन्य जानवर है जो कि खुलेआम घूमता है पार्क में, इसमें खतरा होने की संभावना बना भी रहता है। खुलेआम कहाँ घूमता है, वो तो चिड़िया थी पिंजरा में रहता है। अभी और दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं और कुछ कुछ जानवर बचे हुए हैं, उसको हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं और पूरा दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हिरन देखिए रियल में, ABCD में जेवरा पढ़ते थे और आज रियल में देख रहे हैं। जेवरा उधर है, इधर देख सकते हैं बारहसिंघा है, ए से लेकर जेड तक जेवरा हम आपको दिखा दिए हैं। और इधर देख सकते हैं बारहसिंघा है, इधर काफी दूर में है, पूरा कम दिख रहा है अभी यहाँ से। और इधर देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है, इधर है गेंडा, पता नहीं क्या है, गेंडा है क्या है, पानी में है गेंडा, दिखाई नहीं दे रहा है, हलचल मचा रहा है। और इधर देख सकते हैं कितना लोग देखने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, उधर देखिए गेंडा है, गेंडा है। और दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। हम आपको घड़ियाल और यहाँ पे घड़ियाल वाले सेक्शन में आए हुए हैं और नजदीक से दिखाते हैं घड़ियाल। और दोस्तों चिड़ियाघर के अंदर देख सकते हैं जंगल में आ चुके हैं, इधर पता नहीं किधर हम आ चुके हैं, रास्ता भुला गए हैं दोस्तों, पता नहीं, पहली बार आए थे चिड़ियाघर घूमने के लिए और इधर हम भुला चुके हैं, दोस्त भी नहीं मिल रहा दोस्तों, पता नहीं किधर है। ब्रिज पर चिड़ियाघर में है सस्पेंशन ब्रिज। और इधर देखिए दोस्तों, हम लोग चिड़ियाघर घूमने के लिए आए थे और टोटल पूरा लगभग जानवर देख ही लिए हैं दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं गणेश कुमार मंडल, और क्या क्या देखे हैं चिड़ियाघर में आप? यहाँ पे हमने तो बहुत चीज देखे, जीव जंतु जैसे कि बाघ, टाइगर, चीता और मछली, घड़ियाल, मगरमच्छ, हाथी, जिराफ और अन्य प्राणी को भी जंगल में देखा गया। और यहाँ पर हम लोग अभी थक चुके हैं दोस्तों पूरा घूम कर, और अब लगभग बाहर ही निकलने वाले हैं चिड़ियाघर से। हमारा पैर भी दर्द करने लग गया, इतना घूमे हम तो, मन की बहुत, और पैर भी दर्द, पूरा पैर भी दर्द करने लगा दोस्तों। फिर अभी विश्राम कर रहे हैं 2-4 मिनट के लिए, फिर अब चलेंगे बाहर। अगर आप इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, पटना से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो हम लोग चिड़ियाघर पूरा घूम चुके हैं, पटना जू पूरा घूम चुके हैं दोस्तों, आ चुके हैं अब पटना जू के बाहर। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए भी आए हुए हैं। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें सबसे पहले दोस्तों, और अगर नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलता रहता है दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।